सो गाइस व्हाट इज अप एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में मेरा हाउस टूर देने वाला हूँ कि तुम्हारा भाई कहाँ पे रहता है। ये हमारी हवेली, आप देख रहे हो इंडिया का फ्लैग, और ये हमारा 1603 रूम नंबर। तो चलो हम आपको अंदर लेके जाते हैं, आपको बहुत नए नए लोगों से इंट्रो भी करा दें, नए नए लोगों को। आइए अंदर आइए गाइस, वेलकम गाइस। ये दरवाज़ा पहले ऐसे लॉक कर देने का, प्राइवेसी गाइस। देखो गाइस, सबसे पहले आप जैसे ही एंटर करते हैं, राइट साइड आता है हमारा एक किचन। ये किचन उतना कोई बड़ा नहीं है इंडिया जैसा, लेकिन सही है। आइए आप ये देखिए गाइस, ये स्ट्रगल है जो मैं हर वीडियो में बात करता हूँ कि आपको स्ट्रगल दिखाऊंगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, तो ये वो स्ट्रगल है। ये हमारे हर्ष भाई है, ज़रा दिखाइए इनको, इनका इंट्रोडक्शन करा दे। ये हर्ष भाई है, ये भी मेहसाना से ही है और सीएलडी का कोर्स पढ़ रहे हैं अभी सेनेका कॉलेज में। तो हम सारे लोग सेनेका के ही है और ये सीएलडी का कोर्स पढ़ रहे हैं। सब्सक्राइब कर देना, बोल दो गाइस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं नहीं आएगा ये। हाँ, फिर ये हमारा किचन है, यहाँ पे सबका नाश्ता रहता है। यहाँ पे हम सारा जो भी ग्रोसरी का आइटम है वो रखते हैं। यहाँ पे मेरा नाश्ता है सब, ये वेफर बिस्किट और सब पड़े हुए हैं। यहाँ पे ऊपर हिलो भाई का नाश्ता है, जो अभी कैमरा मैन है उनका भी इंट्रोडक्शन कराएगी अभी लास्ट में। यहाँ पे पड़ा रहता है फैंसी का नाश्ता, मतलब ये बंदा पूरे दिन फास्ट फूड ही खाता रहता है, पूरे दिन फास्ट फूड। और ये हर्ष का नाश्ता है, अभी हमने आपको इंट्रोडक्शन कराया वो बंदा। और एक हमारा और एक है, हमारा भाई अंदर बैठा हुआ है फैलिन, ये उसका नाश्ता है। तो वो ये फ्रिज ऑब्वियसली क्या के लिए, ये फ्रिज गाइस टोपी पहन रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ से दूसरा एक दरवाजा है किचन से बाहर निकलने का। जैसे जैसे ही बाहर निकलते हैं, यहाँ पे हमारे सेठ बैठे हुए होते हैं, फैंसी सेठ। तो ये बंदा आपको हमेशा यहीं पे मिलेगा, आप कभी भी आओ, मतलब सुबह 4 बजे, रात को 3 बजे, दोपहर में आओ, कभी भी आओ, ये बंदा आपको इधर ही मिलेगा। ये कुछ नहीं करता, बस ऐसा एक लैपटॉप लेके बैठता है और बिग बॉस देखता है, लड़ाई झगड़ा, फिर वो बिग बॉस का सब कुछ इधर वो प्रैक्टिकल करता है, लड़ता है घर में ऐसा सब कुछ। नहीं नहीं, मजा करो गाइस, ये बहुत अच्छा है फैंसी। आप भी बोल दो अपना इंट्रोडक्शन, आप कहाँ से हो? इंडिया। क्या बोला तूने? देख रहे हो, मतलब इंडियन है भाई, इंडिया ऐसा कोई डाइवर्सिटी नहीं रखता कि मैं ये जगह से हूँ वो जगह से हूँ, इंडियन है। सही है भाई, सही है। मैं दे दूँ इंट्रोडक्शन, ये भाई दाऊद से है, ये भी हर्ष भाई के साथ पढ़ रहे हैं, सीएलडी का कोर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने हमारा प्यारा सा मंदिर भी बनाया हुआ है, क्योंकि हम लोग बहुत श्रद्धालु हैं, मतलब उतना भी नहीं दिया विया नहीं करते, लेकिन एक बार दिन में हाथ जोड़ लेते हैं। फिर आप, ये हमारा मतलब पूरा हॉल है। सो ये रही मेरी मैट्रेस जहाँ पे मैं सोता हूँ, एकदम सब कुछ सेट किया, ऐसा वीडियो के लिए सेट नहीं किया गाइस, ऐसा ही रहता है जब भी मैं सो के उठता हूँ तब ये सब कुछ फोल्ड करके सब कुछ ऐसा ही करता हूँ भाई, वीडियो के लिए नहीं है यार, वीडियो के लिए ही है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। फिर ये यहाँ पे लीला भाई सोते हैं, ये जो हमारे कैमरा मैन है वो, ये उनका बेड है, बेड फ्रेम कितने में लाए थे भाई? $118 में लाए थे, हम भी ला देंगे, फिलहाल तो जॉब नहीं है तो नहीं ला लूँ, ठीक है। तो ये था हमारा हॉल, यहाँ पे सबके शूज गाइस, शूज ये देखो गाइस, जॉर्डन्स गाइस, जॉर्डन्स पड़े हुए इधर, ये देखो, ये भी जॉर्डन, ये एमसी भाई के जॉर्डन है। फिर आप मतलब सारे एक से एक आपको ब्रांड मिल जाएगी, ये रहे मेरे स्केचर, ये कैंपस, ये नाइक, ये जो हमने प्रीमियम आउटलेट से लिए थे। फिर ये कन्वर्स है हमारे, ये क्रिस भाई के कन्वर्स, मतलब सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी शूज की भी इधर। फिर यहाँ पे आते हम कबर्ड की तरफ, कबर्ड में सब कुछ, ये जैकेट्स है, ये रिलो भाई का जैकेट, ये मेरा जैकेट हॉलिस्टर का। फिर यहाँ पे जो यूज्ड क्लोथ्स है वो सारे पड़े हुए हैं, ये टोपी आपको बता दो, केदार कंठा वाले ब्लॉग में आपने देखी होगी। तो यहाँ पे सारे ऊपर मेरे और रिलो भाई के कपड़े रहते हैं, यहाँ पे भी मेरे और एनसी के कपड़े हैं, और सारी जो हमारी बैग्स हैं वो इधर रख दिए हैं।
मतलब बेसिकली सारे कपड़ों का जो सीन है वो सब कुछ इधर रहता है। अभी इसको बंद कर देते हैं, मतलब देख रहे हो हम बैचलर लाइफ में लेकिन कैसा सब कुछ मेंटेन किया हुआ है सर, कपड़े वपड़े सब कुछ। ये कबूर थोड़ा मेस्ड अप होगा, यहाँ पे देखो भाई सारे के सारे परफ्यूम्स, मतलब इतनी वैरायटी के है, बाथ एंड बॉडी वॉश के, ग्रेफाइट, मार्बल, नॉय, ओशन, बहुत सारे परफ्यूम्स है। यहाँ पे हर्षी भाई के सारे कपड़े हैं, जो बंदा सोफे पे बैठा हुआ रहता है उसके सारे के सारे कपड़े इधर है। और ये बाकी ये मेरे कपड़े, ये जीन इधर रखता हूँ, ये भी पकड़ देते हैं। फिर यहाँ पे और एक कपड़े, मतलब यहाँ पे नहाने के रुमाल और बाकी सब कुछ जो टॉयलेटरीज के आइटम और एक्स्ट्रा जो भी बैगेज है यहाँ पे पड़ा हुआ रहता है। ये तो आपको पता ही है क्या है, राइट, वॉशरूम है गाइस। तो यहाँ पे पढ़ते पढ़ते थोड़े नए लाने पड़ गए, थोड़ा ऐसा ऑरेंज हो गया है लेकिन एकदम सब कुछ क्लीन है गाइस। आइए अब हम आते हैं दूसरे रूम में, हमारा जो एक 1 BHK का अपार्टमेंट है। आइए आप अंदर, हमारे फैमिली भाई से आपको मिलवाते हैं। ये रहे हमारे फैमिली भाई, मतलब ये यहाँ पे मतलब 4 बंदे सोते हैं। यहाँ पे क्रिस भाई सोते हैं, यहाँ पे फैमिली भाई, यहाँ पे हर्ष और यहाँ पे हमारे दाऊद वाले भाई जो दोनों CLT का कोर्स कर रहे हैं। ओके, तो ये भाई भी हमारे गाँव से ही है, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो भाई, शर्मा मत यार। एक्सक्यूज मी ब्रो, मतलब देख रहे हो शर्मा रहा है बंदा, लेकिन कोई नहीं, आप लोग ये रूम देख रहे हो मतलब कैसा सब कुछ पड़ा हुआ है, सब कुछ थोड़ा मेस्ड अप है लेकिन सही है, ये हफ्ते में एक बार साफ हो जाता है। यहाँ पे और एक कबूतर दिया हुआ है जहाँ पे ये हमारी फैनिल भाई की देखो हुडीज गाइस, फैनिल भाई प्यूमा वूमा पहनते हैं, एकदम फैशनेबल है। ये देखो सारा मतलब देखो ना, शूज के डब्बे भी अभी यहाँ पे रखे हुए हैं, शूज के डब्बे भी हमारे एनसी भाई ने तो शूज के डब्बे भी बैग में ही रखे हुए हैं। ये देखो ये रहे शूज के डब्बे, राइट। तो ये रही ये मेरी बैग है और मतलब वही सारा हिसाब किताब। ये भी एनसी, ये भी हमारे फैनिल भाई के कपड़े देखो, स्माइल की हुडी और सब कुछ। और यहाँ पे ना मतलब समर में गर्मी बहुत होती है तो एक पंखा भी रखना पड़ता है। आप लोग ऐसा सोचोगे कि भाई विंटर चल रहा है और यहाँ पे क्यों मतलब गर्मी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 4 लोग सोते हैं तो थोड़ा सफोकेशन होता है। ओके सो गाइस, यही था हमारा घर, आइए आप बाहर आइए और आपको और थोड़ी डिटेल्स दे दें। सॉरी फैनिल भाई, मैं तो गाइस फैनिल भाई भी CLT का कोर्स ही कर रहे हैं सेम सैनिका कॉलेज में। शर्मा रहे भाई, शर्माओ मत यार, आप फेमस हो जाओगे ब्लॉग से। I'm already famous, buddy. ये गाइस वॉलमार्ट में काम करते हैं, इनकी वॉलमार्ट में अच्छी खासी पहचान है। मेरा ये वॉलमार्ट। हाँ, वॉलमार्ट इनके आप कहो तो भी चलता है। देखा, आप ऐसा कहो कि वॉलमार्ट के ओनर ही फैनिल भाई है तो भी चलता है। आ जाइए, उनको डिस्टर्ब नहीं करते क्योंकि यहाँ पे प्राइवेसी मस्त है भाई। एंजॉय करो अपना शो वेब सीरीज। ओके सो गाइस, बाहर आइए, आपको हमारा रूम का सबसे बेस्ट व्यू दिखाते हैं। आपने थोड़ा बहुत तो देख लिया होगा लेकिन तो भी फिर से दिखा देते आपको व्यू। आई लाइक बाहर आई, लुक एट दिस व्यू, हम लोग अभी 16th floor पर और ऐसा कुछ एकदम ऑसम व्यू आता है। मतलब यहाँ पे ना बहुत मजा आता है, सर सनसेट भी इधर से ही होता है, सनराइज वो साइड से होता है, तो बहुत सारी चीज़ें दिखती है। यहाँ पे प्लेन भी आपको बहुत दिखेंगे, यहाँ पे रोज मतलब कितने लोग आते हैं, कितने प्लेन आते हैं, मतलब तो सब कुछ इधर से दिखता है। मतलब कह रहे ना एकदम बेस्ट व्यू आ रहा है हमारे इधर से अपार्टमेंट से। और यहाँ पे बस वही हमारा सारा H&M के बॉक्सेस, शूज़ के बॉक्सेस, यहाँ पे बहुत शू लवर्स है तो ये सब कुछ पड़ा रहता है। यहाँ पे डस्टबिन सब कुछ है और ये हमारी साइकिल भी है, ये हमारी साइकिल और एक वंदन भाई की है, एक हरमन की भी है, ये उनकी साइकिल है। और ये कार्ड गाइस, ये कार्ड कहाँ से उठाई थी भाई, कार्ड कहाँ से उठाई थी, हाँ मतलब एक फ्रेंड रहता है ऊपर, वहाँ से उठाई थी कार्ड।
अभी अंदर आते हैं गाइस, ठंड बहुत है। अभी मोटी मोटी हम बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे मतलब कितना रेंट पे कर रहे हैं, क्योंकि हमने मतलब जो हमारे भाई है हर्ष भाई और फैनिल भाई जो अंदर वेब सीरीज देख रहे हैं उन्होंने लीज साइन की हुई है, तो उन्होंने की थी 1600 में और हम लोग यहाँ पे 6 लोग रह रहे हैं। सो मतलब विथ यूटिलिटीज, अंदर यूटिलिटीज में क्या क्या होता है इंक्लूडेड? सिर्फ हाइड्रो इंक्लूडेड है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल अलग से आता है और वाईफाई का बिल अलग से आता है। सो ओवरऑल थोड़ा करें हम मिक्स, मतलब थोड़ा एडअप कर दें हम, तो अप्रोक्सीमेटली पर पर्सन 300 समथिंग आ जाता है। सो 300 में हम लोग यहाँ पे हमारा अपार्टमेंट में यूटिलिटीज सब कुछ हम लोग मतलब एक्सेस कर सकते हैं, राइट? तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है यहाँ पे, और हमारी गुजराती लोकेलिटी तो पूरी इधर ही है। समझो मैं जहाँ पे रहता हूँ हमारे सारे के सारे दोस्त इधर है। आपने जो अब हमारा फर्स्ट डे कैनेडा वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि वो सारे के सारे हम इधर ही रहते हैं। हमारा कैमरामैन जो है ये रिलव भाई, इन्होंने अभी तक मतलब कैमरा पूरा होल्ड किया होता है, सारा शूट किया वो। तो ये भाई भी मेहसाना से ही है, मतलब बेसिकली रह रहे हैं अहमदाबाद, लेकिन उनका गांव जो है वो भी मेहसाना में ही है। तो भाई इंट्रोडक्शन दे दो अपना, क्या कर रहे हो, कौन सा कोर्स, कौन सी कॉलेज में? मेरा अभी मार्केटिंग मैनेजमेंट कोर्स है, सैनिका कॉलेज है। मैं अभी क्या करूँ, उनका काम कर रहा हूँ, जो कैमरा पकड़ के ऐसे उनके पीछे पीछे घूम रहा हूँ, बस ऐसा ही काम है मेरा अभी तो। नहीं 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 भाई, जॉब की बात करें तो ये भाई पिज़्ज़ा में काम करते हैं, यही पे हमारा आगे एक मतलब स्टोर है पिज़्ज़ा का वहाँ पे। ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारे एनसी भाई के लिए कमेंट कर देना गाइस, कमेंट कर देना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, पीस आउट।